दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर में किसान करेंगे चक्का जाम। वहीं किसानों के चक्का जाम से बढ़ेंगी लोगों की परेशानियां। 6 फरवरी से हर हफ्ते होगा सड़कों पर प्रदर्शन। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सड़कों को बंद कर किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही दिल्ली पुलिस। वहीं सरकार से बातचीत के लिए किसान संगठनों की नई शर्तें लागू, बोले इसके बिना बातचीत संभव नहीं। वहीं किसानों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन स्थगित, भारी हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान। वहीं किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने बनाई कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कीले और कटीले तार लगाने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर में किसान करेंगे चक्का जाम। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा, इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा। किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का ये ऐलान बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने और विभिन्न जगहों पर इंटरनेट बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में किया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान संगठन चक्का जाम करें और आप भी खुलकर किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के चक्का जाम से बढ़ेंगी लोगों की परेशानियां, 6 फरवरी से हर हफ्ते होगा सड़कों पर प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। उससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों की नई रणनीति के तहत अब ये चक्का जाम सिर्फ 6 फरवरी को ही नहीं बल्कि हफ्ते में एक दिन नियमित रूप से होगा और किसान सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल शनिवार को दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तमाम हाईवे और प्रमुख सड़कें जाम करने का ऐलान किया गया है। सरकार किसानों के इस ऐलान को देखते हुए अब जवाबी रणनीति बनाने में लग गई है। आपको बता दें कि किसान नेता हनान मुल्ला ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब देश भर में उत्पादन बंद पड़ा था तब भारत के किसानों ने ही उत्पादन बढ़ाया और इस संकट से देश को उबारा था, लेकिन इसके बदले सरकार ने बजट में ये इनाम दिया कि मनरेगा का बजट 34% कम कर दिया। वहीं कृषि बजट में 8% की कमी कर दी गई। सरकार ने अन्नदाताओं को ये तोहफा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा वो कोई भी रास्ता नहीं है। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती तब तक हम आंदोलन को जिंदा रखेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि हर सप्ताह में एक कार्यक्रम सरकार के खिलाफ करेंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी किसान नेता बैठक कर उस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे, फिर से नए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 6 फरवरी से अब हर सप्ताह सड़कों पर भारी प्रदर्शन होगा जिसमें हाईवे जाम किए जाएंगे और प्रमुख सड़कें भी जाम की जाएंगी। यदि आप भी किसानों के इस फैसले से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सड़कों को बंद कर किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही दिल्ली पुलिस। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर बने गतिरोध के चलते राजधानी दिल्ली से लगी गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच राकेश टिकैत को मिल रहे भारी समर्थन के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर अब आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया है। वहीं सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद किसी तरीके की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने सभी धरना स्थलों की पूरे तरीके से घेराबंदी कर दी है। धरना स्थलों के आसपास कई लेयर की बैरिकेडिंग करके ऊपर कटीले तार बिछा दिए हैं। सड़क पर टायर किलर्स लगा दिए हैं, यानी कि सड़क में कीले ठोक दिए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भारी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण धरने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है ताकि जनता को परेशान किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस रास्ते बंद कर रही है। एम्बुलेंस लेन में 2 महीने से एम्बुलेंस चलती थी, उसे भी दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया, कटीले तार लगा दिए, सड़क में कीले ठोक दिए। जिन सड़कों को हमने छोड़ रखा था उन्हें भी बंद कर दिया। ये सरकार की साजिश है। आपको बता दें कि भारतीय किसान
यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सरकार को अपनी जिद छोड़कर तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर कानून बनाना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया और साफ साफ कहा कि सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। अगली बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा, सदन स्थगित। भारी हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर बातचीत के लिए पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामे पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि हंगामे के माध्यम से सिर्फ सबका समय बर्बाद किया जा रहा है। बता दें कि संसद के दोनों सदन हंगामे की वजह से बाधित हो रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया तो लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने से पहले ही खत्म हो गई। आपको बता दें कि हंगामा इतना हुआ कि नारे भी लगने लगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दोनों सदनों की कार्यवाही को हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अवरोधक भी लगाए गए हैं, इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा और हाल ही में इसके खत्म होने की तो कोई संभावना नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही राकेश टिकैत ने लाल किले की घटना को लेकर कहा कि नौजवानों को बहकाया गया, उनको लाल किले का रास्ता बताया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो और किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि अब राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलता रहेगा। यदि अक्टूबर तक सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो ये आंदोलन अक्टूबर से आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यानी कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। अगली बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क में कीले लगाने और कटीले तार लगाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार को जमकर घेरा। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट अवरोध बनाए जाने से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत सरकार पुल बनाइए दीवार नहीं। आपको बता दें कि उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को दीवार की बजाय पुल बनवाना चाहिए। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध लड़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को सोमवार को किले में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों में कीले लगा दी गई हैं और कटीले तार बिछा दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को जमकर घेरा है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में किसानों की मौत पर बोली सरकार, पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य का विषय, केंद्र ने उठाए आवश्यक कदम। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत को लेकर लोकसभा में लिखित में सवाल पूछे गए। सरकार से पूछा गया, केंद्र सरकार को किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के बारे में क्या पता है और उन पीड़ित परिवारों के मुआवजे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही उससे पूछा गया, क्या सरकार के पास इस बात के कोई साक्ष्य हैं कि आंदोलन में आतंक ने घुसपैठ की थी। आपको बता दें कि इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद से निचली सदन में जवाब देते हुए कहा कि पुलिस और लोक व्यवस्था भारतीय संविधान की 7वीं सूची के मुताबिक राज्य का विषय है, इसलिए ये सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वे कानून व्यवस्था बरकरार रखे, जिनमें जांच, अपराध दर्ज करने, दोषियों को सजा दिलाने और जान माल की रक्षा शामिल है। आपको बता दें कि सरकार से पूछे गए सवाल पर सरकार ने कहा कि आंदोलन में आतंकियों ने घुसपैठ की थी या नहीं, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा निशाना, बोले चीन लगातार कर रहा निर्माण, कड़े एक्शन की जरूरत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि चीन लगातार निर्माण करता जा रहा है, वह अपने सैनिकों की पोजीशन बनाए हुए है, जबकि हमारे पीएम चीन
शब्द का नाम तक लेने से परहेज करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि इस तबाही को रोकने के लिए कड़े एक्शन की जरूरत है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री के पास वो हिम्मत नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार चीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए है। अगली बड़ी खबर, कृषि कानून पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले हम बातचीत के लिए तैयार, सरकार समस्या का निकाले हल। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को लेकर हल निकालने को कहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए से ही इस समस्या का समाधान करे, इसके लिए हम बातचीत करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।